गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया है। ये नोटिफिकेशन है बीपीएससी 68 को लेकर के। तो अब बीपीएससी 68 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो एक नए पैटर्न पे होगा। तो हम लोग उस पैटर्न को देख लेते हैं कि वो पैटर्न क्या कहता है। अभी आप लोगों ने दिया ही होगा, जो लोग खास करके वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम दिया होगा। तो 68 बीपीएससी जो है उसका भी पैटर्न जो है प्री का टोटली चेंज हो गया। तो हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि ये फॉर्मेट जो है ना वो किस तरह का जो है वो अब बीपीएससी लेगी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से। ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट जो है वो है मॉडल आंसर सेट को लेकर के। इस फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेट क्या कहता है। तो जनरल स्टडीज़ का जो है वो सेक्शन वन है। सेक्शन वन में जो क्वेश्चन नंबर वन आएगा वो आएगा 38 मार्क्स का। और ये होगा क्या, देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो इस मार्क्स में होगा क्या, तो इस जो कहानी है ना, इस कहानी में अब जो होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होगा वो पूरा सिलेबस जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर को कवर करेगा, ये पूरा सिलेबस को, ठीक है। छांट काट, छांट का मतलब नहीं है कि आप लिमिटेड यहाँ से पढ़ लीजिए वहाँ से पढ़ लीजिए, ये सब जमाने गए। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर वन जो 38 मार्क्स का है पूरा सिलेबस को कवर करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, तो ये क्या है, इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव उत्तर होगा। ये वाला अगर मेंस दिया होगा 67 का, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपका पाला पड़ा होगा। 5-7-8 क्वेश्चन होते हैं जिसके उत्तर लिखने होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं या 5-5 नंबर के हो सकते हैं, 38 नंबर, इस तरह से। तो ये जो है ना पूरा सिलेबस से होगा। फिर हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके साथ एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, दूसरे के साथ एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से है। ये भी क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी कि इसके उत्तर जो है विस्तार से, सविस्तार से इसके उत्तर जो है वो देने होंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को। क्वेश्चन नंबर तीन है, ये आएगा मॉडर्न फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। इसके साथ एक और क्वेश्चन होगा जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास से आएगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। अब देखिए सेक्शन टू है, सेक्शन टू में जो पहला जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा वो क्या करेगा, पूरे सिलेबस को कवर करेगा, जो होल सिलेबस है। इसमें क्या होगा, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये पूरे सिलेबस को देगा। यानी कि अब जो है ना बीपीएससी ने ठाना है, ठीक है, क्वेश्चन को आसान नहीं बनने देना है। जो बीपीएससी ने ठाना है कि क्या ये क्वेश्चन जो होगा ना ये कहाँ आएगा, होल सिलेबस। अब होल सिलेबस क्या है बताइए, होल सिलेबस क्या है, होल सिलेबस का मतलब ये है कि आपने रेगुलर वे में क्या है, रेगुलर वे में आपने क्या पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, रेगुलर न्यूज़पेपर, कभी मत छोड़िए न्यूज़पेपर। मैं बताता हूँ कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने रेगुलर वे में इसको बताया है। कई बार ऑफलाइन क्लास मैं चलाता हूँ तो ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज़ पढ़िए न्यूज़पेपर। अरे भाई क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, इस बार कहाँ से प्रश्न आए, तो न्यूज़पेपर का जो सेक्शन है उसको सीधा उठा के दिया, सीधा डायरेक्ट उठा के करंट में दिया। और इवन जो वो बतख मियाँ वाला जो इशू था वो भी तो सीधा करंट से आया हुआ क्वेश्चन था। तो जो पास्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी करंट बेस्ड है, तो हम लोग को करंट को नहीं छोड़ना है। तो प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ होती है। देखिए जब मैं चाणक्य में पढ़ा रहा था तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला था प्री के लिए अलग पढ़ाइए, मेंस के लिए अलग पढ़ाइए, और काफ़ी फोर्स किया था इस बात को लेकर के, है ना। वैसे इंस्टीट्यूशंस का नाम मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर आप सब लोग मेच्योर हैं तो चाणक्य के भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोई ब्रांच मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मेरा ये फोकस है कि बच्चों का रिजल्ट होना चाहिए, ना कि आप अपनी झोली भर लें। तो इसलिए प्री और मेंस की तैयारी जो है वो एक साथ ही होती है, अलग अलग नहीं होती है प्री और मेंस की तैयारी। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाए कि प्री और मेंस जो है वो अलग अलग अफेयर नहीं है, ये एक अफेयर है। तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये भी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस से है, डिस्क्रिप्टिव है, इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा होगा,
इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा होगा तो उसको करना है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, ये भी क्या आएगा तो करंट इवेंट्स होगा और इसके साथ भी क्या होगा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, यानी दो क्वेश्चन में और दे दिया। पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस ही है, पूरा सिलेबस को पढ़े बिना अब एग्जामिनेशन को पास करना खास करके बहुत मुश्किल हो गया। तो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड देखिए एकदम से चेंज हो चुका है। सेक्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए और होगा। स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स बहुत सिंपल है, आप कहिएगा तो ये बोर्ड भी है हमारे पास अवेलेबल है, मैं सारे सवाल यहाँ पे सब लोगों को कराऊंगा। और इसके बाद देखिए इसके साथ और क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एक और क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसमें भी क्या रहेगा, स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम से और स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम से, मतलब एक ही तरह का चार क्वेश्चन देंगे, दो के जवाब देने रहेंगे, ठीक है, दो और दो चार। तो पहले जो चार दिए जाते थे कि किसी का कर ले वो वाला मामला नहीं रहा, इसके साथ ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ, ये दोनों एक साथ है, यानी कि च्वाइसेस तो चार हैं, ठीक है, लेकिन सारी कहानी पलटी हुई है। तो चलिए ये जो है ये बढ़िया है, और ऐसे भी आसान, देखिए आसान होता था तो सबके लिए आसान होता था और मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट हमारा है सेक्शन 2 जनरल स्टडीज का। इसमें हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेगा, क्या करेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरे सिलेबस को कवर करेगा, अब कुछ भी छोड़ के जाने का जो है मामला खत्म हो गया। उसी तरह क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में एक और होगा, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, क्या होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये भी इंडियन पॉलिटी का खंड है। इंडियन पॉलिटी के खंड में ये जो क्वेश्चन आएगा ये पूरे सिलेबस को कवर करेगा इंडियन पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंडियन पॉलिटी जो है इसको फिर दो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, अब ये पूरा सिलेबस है उसमें क्या होगा 8-10-12 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब सबका आंसर लिखिए, सबका आंसर लिखिए तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना कई लोगों को एक घंटा खींच लेता है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, जो सबसे मेन है वो है टाइम को मैनेज करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ज़्यादा ना लिखे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के लिए भी छोड़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इंडियन पॉलिटी से आएगा, इसमें दो क्वेश्चन होंगे, एक का जवाब देना होगा, तो चॉइस को क्या कर दी, लिमिट कर दी। अब सेक्शन 2 को देखिए, सेक्शन 2 में जो हमारा पूछा जाता है वो है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से आता है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 38 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और पूरा फिर वही भाई सेकंड खंड में भी आपको पर्याप्त लिखना होगा। तो कई बार ये जो है ना एक घंटा कई लोगों का खींच लेता है, तो देखिए ये रिस्क में नहीं पड़िए, एक घंटा ऊपर खींच जाएगा, एक घंटा नीचे खींच जाएगा, इस ये एकदम गलत होगा। तो इसमें क्या टाइम को मैनेज करना है कि भाई एकदम पहले से ही सोच लिया, 38 नंबर का ही क्वेश्चन है, कितना लिखना है वो सोच लेना है कि एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, वो अभी अभी माइंड सेट कर लेना है इस चीज़ का। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का होगा और इसके साथ एक ऑप्शन भी होगा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का। तो ये जो दो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक का जवाब देना होगा, तो बढ़िया है, मैं कहता हूँ कि बढ़िया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में भी है कि इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से होगा, दो क्वेश्चन होंगे, एक का जवाब देना होगा, एकदम फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पुराना हमने देखा है रिपीट, अब कुछ भी छोड़ के जाने वाला सिस्टम नहीं रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अब खंड 3 है, इसमें भी क्या होगा, होल सिलेबस होगा, किससे, द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये जो है ना, अब ये जो प्रश्न है ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, अब इसके साथ क्या है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फिर 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब जिन्होंने भी 67 मेंस दिया है उनको मालूम है कि ये अकेला सेक्शन जो है ना घंटा भर खींचने की क्षमता रखता है, एक घंटा जो है ना ये खट से खींच लेगा, 8-10 टॉपिक होंगे 5-5 नंबर के, और लिखने के मोह में और कुछ लिखने के मोह में लोग बहुत बड़ी गलतियां करेंगे, तो इसमें नहीं फंसना है, इसके माया जाल में इसको क्या है भाई, देखिए कितना अगर टाइम डिवाइड कर लीजिए कि भाई कितना कितना समय देना है और उसी टाइम के अनुसार से सबको समय दीजिए और आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इसके साथ और है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होगा जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में उसको लेके क्वेश्चन है और इसके साथ जो है और जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत आराम से मुझे लगता है जो ठीक ठाक है, बहुत पहले मॉडल जो है वो
दे दिया बीपीएससी ने, और बहुत अच्छा किया कि अब समय से मॉडल दे दिया ना, तो समय से लोग उसको तैयार कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। समय को आगे से पकड़ना है, समय को पीछे से नहीं पकड़ना है, समय को क्या है आगे से दबोच लेना है। अब देखिए ये है हमारा ऐसे ऐसे का क्वेश्चन पेपर। ऐसे का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें देखिए तीन सेक्शन होंगे, ठीक है, 300 नंबर का क्वेश्चन है, 100 100 100 100 100 के आएंगे। तो राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स, कोई एक ऐसे लिखना होगा, टॉपिक्स उसमें दिया रहेगा। दूसरा लिखते हैं राइट एनी वन ऐसे ऑफ गिवन टॉपिक्स, ये भी वही है, और इसमें खंड जो है खंड एक में जो है ये देखिए यहाँ पर खंड एक है कि कोई टॉपिक से लेके लिखना है, गिवन टॉपिक से, गिवन टॉपिक से जो दिया हुआ है उससे दो। और तीसरा जो है वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसे एक ऐसे लिखना होगा, तो ये टोटल मिला के कितना होगा 300 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा 300 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और बस ये हमारा जो है यहीं से हमारा मेरिट लिस्ट बनने का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर हम ये हमने देखा सिलेबस का अकॉर्डिंग कि बीपीएससी 68 का मेंस क्या होगा, इसको लेकर के हमने देखा। इससे संबंधित कोई अगर क्वेरी हो, किसी किस्म का प्रश्न हो, और बाद में कोई लोग चाहते हैं कि कोई स्पेशल सेक्शन को लेकर के मैं कोई वीडियो बना दूँ या उनको बताऊँ, वीडियो बना के समझाना ज़्यादा आसान है। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सबका सॉल्यूशन जो है 100% करके आपको भेजूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हम लोग मिलते ही रहेंगे, ठीक है, इस बार कोई ब्रेक नहीं है, 69th को लेकर के भी हमारी क्लासेस रेगुलर रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, धन्यवाद।